जय भीम बोला मालूम है। आज अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान नहीं देखो रहते तो आज हम कौन भी इतनी शान से नहीं कर सकते थे। अल्लाह और रसूल के बाद आज बीजेपी के जो जुलूम देख रही तुम्हें, बीजेपी की ज्यादती देख रही है, आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से हम सब यहाँ शान से करें तो तमाम जिम्मेदार हजरात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हम लोग किस रस्ते से उधर जमा हुए। अभी जहाँ आने वाला रस्ता भी कुछ चुनाव है हमारे आपके चाहिए। मेरा छोटा भाई रहीम खान हमारी कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनके प्रचार के लिए आया हूँ। आप लोग जब जानते हैं इतिहास निकाल के देखो, कांग्रेस जब जब चुनाव आता है आवाम के बीच में जाके जब वोट मांगती है तो कांग्रेस पार्टी जो है उनके प्रोग्राम पता के लिए वोट मांगती है। पहले जब उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट के अंदर जब गवर्नमेंट थी तो क्या किया, आने वाली गवर्नमेंट के अंदर आएगी तो क्या करते करके बता के हम लोग वोट आवाम के सामने मांगते हैं। इन्हें बीजेपी की जैसा हिंदू मुसलमान फसाद करा के मैं भी बहुत से कंट्री को गया हूँ, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, सऊदी अरब, सब गया हूँ। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर खासकर कर्नाटका के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो चार मोहब्बत से गिर रहे थे वो कर्नाटका का है, वो अमन सुकून खराब करने की बीजेपी ने दे मैं निकल चुके वहाँ चुके बीच में उंगलियाँ करने गया था ज्यादा मेरे को अमन सुकून खराब करने की जद्दोजहद कोशिश करें। कभी उनके प्रोग्राम बता दो हमें फलाना करी, हमें ये करी, हमारे वास्ते ये वोट दो करको कभी जिंदगी के अंदर नहीं पूछे। खाली जात पात करको ना उनको हिंदू से चाहते हैं ना मुसलमान से चाहते हैं, उनको चाहते हैं पावर से उनकी चाहते हैं। पावर भी कह के वास्ते डेवलपमेंट वर्क करना, गरीब की भलाई करना करको नहीं। 40% कमीशनर बनाने के लिए 40% कमीशन बनने के लिए उनको गवर्नमेंट होना। हमारा इस्लाम धर्म भी हमने कभी तासुब करने के लिए कभी नहीं दिखाया। हमारा इस्लाम धर्म ने सिखा गया तासुब करो, नफरत आगे करो करो। हमारा इस्लाम कब तक सिखा करता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम हमारा धर्म होगा सिखा को है सब। हमें जब जब कांग्रेस हुकूमत आपको है हमारे प्रोग्राम, जैसा कि 2013 से लेकर 2018 तक हमारी कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने से बहुत से चीफ मिनिस्टर आए थे, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए, कोई माइनॉरिटी के बारे में सोचा नहीं। जैसे सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनते जब माइनॉरिटी ग्रांट जो था हमारा आपको 400 करोड़ रुपये ग्रांट था, कितना था 400 करोड़ सालाना। क्या करते थे डिस्टर्ब होता था सर, 400 करोड़ ग्रांट था, 400 करोड़ ग्रांट मतलब कैसा, हर सालाना 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसे बढ़ा तो 400 करोड़ तक तगा खोड़ा करें। अब सिद्धरामैया को क्या करना, 400 का 500 कर सकते थे, 500 का 600 कर सकते थे, 600 का 700, 700 का 800, यानी 4 गुना करें तो कितना होता था 800 करोड़ होता था। तो सिद्धरामैया सब कितना करें 3150 करोड़ रुपये ग्रांट करें, कितना 3150 करोड़ ग्रांट करें। वो कर को तालीम के अंदर मुसलमानों बहुत पीछे ही, क्या तो कर दो तालीम के अंदर मुसलमान आगे बढ़ना करो। जो 60 साल से जो हमने बच्चा को जो स्कॉलरशिप देती वो स्कॉलरशिप जो थी 5 लाख की स्कॉलरशिप थी। जैसे सिद्धरामैया के पीरियड के अंदर 5 साल के अंदर वो स्कॉलरशिप थी 60 साल से जो 5 लाख बच्चे की स्कॉलरशिप थी वो 5 साल की अवधि के अंदर 14,70,500 बच्चों को स्कॉलरशिप देती। उसके साथ साथ में 1,600 करोड़ रुपये 5 साल के अंदर सिर्फ स्कॉलरशिप देती। MBBS की सीट मेरिट में मिलती थी, गरीब बच्चों को फ्री सीट थी। फ्री सीट मिलने के बावजूद भी क्या था, एक सीट के लिए एक साल का जो है 5 लाख रुपये जो है सालाना फीस बनना पड़ता। अब गरीब आदमी कहाँ से लगा था 5 लाख रुपये, 5 लाख खाली एक साल का नहीं, डॉक्टर से बनना तो कम 5 साल में स्टडी करना, 5 साल के वास्ते कम से कम 25 लाख होना। 25 लाख उन्हें गरीब कहाँ से लेके आता, वो पैसे नहीं होने की वजह से क्या करते थे उन बच्चों को कॉलेज को नहीं भेजते थे। वो देखते हुए कांग्रेस हुकूमत में क्या करें, जो माइनॉरिटी के जो मेरिट के अंदर सीट मिलती उनको हमें 3 लाख रुपये देना करो, KMDC से 3 लाख रुपये दे देते। खाली ड्राइवर ड्राइवर बनकर नहीं रहना, उन्हें भी मालिक बनना करो, क्या करें एक नवी स्कीम ले लगे, नवी स्कीम ले लगा को 4 व्हीलर गाड़ी
आठ ट्विन की चार व्हीलर गाड़ी, 8.5 लाख रुपए गाड़ी उनकी चॉइस, उसी भी तुम्हें चॉइस कर लो। 8 लाख की गाड़ी खाली 75,000 रुपए इंश्योर पेमेंट बने तो 4 लाख रुपए सब्सिडी, 4 लाख सब्सिडी को तो गवर्नमेंट से फ्री हो, 3,75,000 रुपए देखो कितने की जगह वो हजारों की तैनात के अंदर ड्राइवर छोड़े इन्हें कांग्रेस हुकूमत के अंदर। अब हाल ही के अंदर सिद्धरामैया साहब 2018 के अंदर, 2018 का इलेक्शन होने के बाद मंजे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, मंजे मिनिस्ट्री बनाया गया था, रहीम खान साहब भी मिनिस्टर बने थे, वो टाइम को कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो टाइम को सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन में गए थे, हमें अमित शाह कॉम्प्लेक्स का गर्ल्स आफ्टर इनाग्रेशन के फंक्शन में गए थे, वो फंक्शन में जरा टाइम को स्पीच कर तकरीर के अंदर ने ऐसा में खाबो खाल के अंदर सोचा था 2018 के अंदर हमारी हुकूमत आती कर समझा था हमारी हुकूमत नहीं है, इस बार क्या कभी हमारी हुकूमत नहीं तो जो माइनॉरिटी ग्रहण जो है 3,150 करोड़ जो है उसे भी 10,000 करोड़ करने वाला था गए अज्ञान सारा सीटें खाली हमारे रहेंगे, लोगों को शबाशीरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुसलमान का जो पॉपुलेशन है 14% पॉपुलेशन है, सालाना हमें 2 लाख करोड़ का बजट दी थी, 2 लाख करोड़ का बजट के अंदर 14% पॉपुलेशन को हिसाब से देखने गए तो अक्सर देखने गए तो 28,000 करोड़ का मुसलमान, तो वही पहली बार 10,000 करोड़ दिन आकर को और 10,000 करोड़ दिन आकर को थे को बोल को सिद्धरामैया साहब बोले। और सब आज जब अब अच्छी तरह जानती आज कैंडिडेट जो है वक्त कम होने की वजह से मैं जरा शॉर्ट में बात करो, आज कैंडिडेट जो है जनता दल का कैंडिडेट सूर्यकांत गर्ग कैंडिडेट है कि नहीं, सूर्यकांत कांत बीजेपी के अंदर थे, कौन जो भी जाकर बीजेपी के अंदर जाकर अब क्या बने अब सेक्युलर बन गए उन्होंने एनआरसी के हिसाब, एनआरसी के अंदर भी हमारी खिलाफत कर को उन्होंने बीजेपी का फेवर करें। अब हाल ही के अंदर हमारा 4% रिजर्वेशन था प्रसमेट कर को ओपन, ये गवर्नमेंट सही करे कर को गवर्नमेंट की शबाजगिरी दिए सो, गवर्नमेंट के शबाजगिरी दिए 4% निकाले सोचते एम्बुलेंस में बेड़ो पा दो, ये भी 4% निकाले सो। अब क्या होगा बीजेपी के अंदर उनको टिकट नहीं दिए, बीजेपी के साथ टिकट नहीं देने के साथ क्या होगा सो, सूर्यकांत साहब बहुत अच्छा उर्दू बात कर दी, बहुत अच्छा तकलीन कर दी, बीजेपी के साथ टिकट नहीं देने के साथ क्या होगा पर जनता दल की जाकर सेक्युलर होगी नहीं थे, सेक्युलर जब कैसे मालूम करना सो, उनकी पैंट निकल को अंदर चट्टी होगी नहीं देखा तो चट्टी निकलती नहीं होगा, वो चट्टी जिंदगी में बात के जमाने से चट्टी पीनी चाहो, बात के जमाने से चट्टी पीने करके अब चट्टी निकालने का जो होता है वो चट्टी में कैसे होता है, ये खाली सियासत ही नहीं, ये सियासत ही चाल ही है, क्या है बीजेपी वाले क्या है आज पूरा कर्नाटक स्टेट के अंदर ये 3.5 साल से जो बीजेपी की हुकूमत जो चली क्या भी डेवलपमेंट नहीं वर्क होने की वजह से ये 40% कमीशन की वजह से आज बदनाम होकर क्या करी बीजेपी वाले, ये मैच फिक्सिंग करी, भाई एक काम कर हमें दूसरे को टिकट देती तो मुसलमानों के साथ अच्छा है, उर्दू बहुत अच्छा बात करता, कुरान हदीस के बारे में बहुत अच्छा बात करता, तू ये काम कर तू जनता दल को जाकर कैंडिडेट बन दो मुसलमानों के वोटर को, हमें तुझे MLC बना दिए, हमें किसी हालत में कवर नहीं आना करते सियासत में स्टेट टूर नहीं कर रहे हो, बीजेपी ने क्या सेक्युलर कैसा होती करके मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, यानी पूरे स्टेट में तुम्हें लगा मैसेज दे रही है खाली यहाँ मैसेज दे रहे पूरे स्टेट के अंदर तुम्हें मैसेज दे रहा जनता दल पार्टी सेक्युलर कैसा होती है, एक एक करके मैं बोलता हूँ, जो 3,150 करोड़ रुपए जो हमारा जो ग्रांट था जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट के अंदर 2018 तक था, 2018 के अंदर हमें 80 सीटें जीते जनता दल ने 30% जीते, हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते समाजवादी पार्टी दूर रखना करके क्या करे जनता दल को सपोर्ट करके उनको चीफ मिनिस्टर दिए, किसे चीफ मिनिस्टर दिए जनता दल को चीफ मिनिस्टर दिए, हमें 30% को दे दिया 80 हमें उनसे, फिर भी क्या करें हमें समाजवादी पार्टी को दूर रखना बीजेपी को दूर रखना, उन्हें बन जाने स्टेट अमन सुकून से रहने अमन सुकून से मुसलमान जीत दें, मुसलमान पूरे भरोसा करके वन सेट हमने 2018 के अंदर वोटान देखो ही बीजेपी है तो उनको तकलीफ देती करके क्या करें
उनको 30% आरक्षण देने को चीफ मिनिस्टर दे रहे। चीफ मिनिस्टर होने के बाद कुमार स्वामी साहब बजट करें, बजट करें तो मैं भी इसके अंदर मिनिस्टर हो होता, रही खान साहब भी मिनिस्टर हो होते, हम ना मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब हमारा 3150 जो करोड़ ग्रांट जो है वो ग्रांट कम करने वाला इधर मालूम पड़ा। तो पूरे डेलीगेट्स इंक्लूडिंग रहीम खान साहब भी आए थे, नसीर साहब आए थे, तनवीर शेख आए थे, हारिश भी आए थे, हमें सब जाकर सीएम से मिले, क्या साहब हमें सुनने आया क्या कि हमारा ग्रांट तुम्हें कम करने इधर को नहीं, वैसे क्या भी नहीं अभी सूचा नहीं मिला, मेहरबानी से हमारा ग्रांट कम करो लोगों, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो है तुम्हें ग्रांट हमारा 3150 करोड़ में तुम्हें कम करना नहीं है, ठीक है। अगर वो बोल को बजट अनाउंस करने टाइम को हमारा जो 3150 ग्रांट जो था ना उसे क्या करें 1800 करोड़ को 1350 करोड़ रुपए कम करें, वो पार्टी घर में वोट आने सो उन्होंने 1350 करोड़ रुपए कम करने की बात क्या करें, बीजेपी आगे साढ़े तीन साल से बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी वाले कितने को लगा को खड़ी 800 करोड़ को लगा को खड़ा करें, ये रास्ता कौन बना को दिया सो, अगर कुमार स्वामी साहब रास्ता बना को देते तो बीजेपी वाले की मजान नहीं होती थी, उन्होंने 1350 कम करे कर दो, उन्होंने सीधा क्या करें बोलो 2400 करोड़ रुपए कम कर दो, आज 800 करोड़ को लगा को खड़ा करें, वो पार्टी को हमें वोट देना। उसके साथ साथ में तुम ना मानो सिद्धरामैया साहब थे, हर साल हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में जानते हुए टिप्पू जयंती बनाना, तो विधानसभा में टिप्पू जयंती बैंक्वेट हॉल में बनाते थे, 5 साल भी लगातार बने और ओपन बीजेपी वाले खिलाफत करते थे, सीना ठोक को सिद्धरा में बोलते थे तुम्हें मई के लाना जो करना तुम्हें कर लो, अग्निशन में और जोर से टिप्पू जयंती हर साल टिप्पू जयंती बनाने गए। एच कुमार शर्मा साहब कांग्रेस की भीख में चीफ मिनिस्टर बने, टिप्पू जयंती नहीं बनाना कर को बोल को आदेश कर को गवर्नमेंट का, रविंद्र कला क्षेत्र में कर टिप्पू जयंती बनाना, विधानसभा में टिप्पू जयंती बनाना लेकर को गवर्नमेंट से आदेश करे, जैसा मुझे मालूम हुआ इमीडिएट सिद्धरामैया साहब भी कुमार स्वामी साहब के पास गया, क्या साहब तुम्हें गवर्नमेंट का आदेश करें टिप्पू जयंती नहीं बना कर को कोलिशन गवर्नमेंट हमारी बदल तुम्हें चीफ मिनिस्टर बने जो हमारा प्रोग्राम से हमें यह करते थे सो तुम्हें कैसा बैंकट रेंज में रविंद्र कला क्षेत्र में करना गए, नहीं ऐसा अदमिया का सब खिलाफत है अदमिया पूरे मान ली नहीं उसे नहीं करना गए, 5 साल हमें यहाँ करें विधानसभा के अंदर कर गई हमारी हुकूमत के अंदर तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनी जो मैं जब तक मिनिस्टर हूँ कौन भी मई का लाल रोक सकता नहीं कर लो बाद पार्टी का हमें वोट देना सो वो पार्टी को वोट देना कीजिए मैं अंदर चटिए उस पर वोट देना कीजिए मैं जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं आज तक हज्जी नगर को कौन भी चीफ मिनिस्टर में शोक नहीं है, 2006 के अंदर कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, जब मैं भी मिनिस्टर था कुमार स्वामी साहब पूजा को एक महीना पहले भी इन्विटेशन दिया साहब हज्जी नगर से आ ना करो ठीक है आपने घर को एंट्री कर ले, हज्जी नगर फंक्शन को बेंगलुरु में रहते हुए हज्जी नगर फंक्शन को आई नहीं, जितने की फोन कर आई नहीं, और मैं 2008 में बीजेपी हुकूमत आई, बीजेपी हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर 3 साल येडियुरप्पा था, 1 साल सदानंद गौड़ा था, 1 साल जगदीशेट्टी था, उन्होंने 500 है बीजेपी वाले हजन कृष्ण को 500 है, बाद में सिद्धरामैया साहब आए 2000 से लेकर 2018 तक सिद्धरामैया पूरे 5 साल हजीना कृष्ण के साथ साथ में खुर्रे को भी बिचारा हुआ आया, खुर्रा धरने को भी सिद्धरामैया आया, खुर्रा धरने को 2018 में हमारी भीख से इन्होंने चीफ मिनिस्टर बने कांग्रेस वाले की तरफ से, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अल्लाह का अल्लाह मैं कभी खाबो खाल के अंदर नहीं सोचा था, रहीम का ध्यान बैठी मंजे मिनिस्टर बनाते करो मैं खाबो खाल के अंदर नहीं सोचा था, वजह उसकी क्या है से रोशन बेग साहब 7 बार मिले, तनवीर शेख साहब 5 बार मिले, हारिश भाई 3 बार मिले, उन्होंने मंजे का मारा तीन को मैं खाबो खाल में पूछा भी नहीं की तो 2017 तक मैं जनता दल के अंदर ही था सो, मैं 2017 को कांग्रेस का को पहली बार MLA बने सो, उसको भाई कभी खाबो खाल के अंदर मंजे मिनिस्ट्री बनाते कर सोचा नहीं, मिनिस्ट्री बनाना तो चुपके कई बनाते हैं, अपनी रहीम खान को भी कई को बने,
ब्रीड से बना रखा था, क्या करती उन्होंने पूरा आईबी से राहुल गांधी सर्वे कराती स्टेट के अंदर मुसलमाना किसके ऊपर चार तरह की, सिद्धरामैया क्या करती उनकी इडली थी से उन्होंने एक सर्वे कराती ये स्टेट के अंदर मुसलमाना किसके ऊपर चाहत रखी। आज मुसलमाना स्टेट के अंदर जमीर अहमद खान के ऊपर चाहत रखने की वजह से तुम्हारी भीख की वजह से मंजिल कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर बने थे, मिनिस्टर बने बने थे, मिनिस्टर बने था क्या है टीम वो क्या रहे वो कि भाई मैं फिर जाकर क्या कर कुमार स्वामी साहब को हज का इनाग्रेशन का इन्विटेशन जाकर दिया साहब कुमार स्वामी साहब 2000 में तुम्हें 6 में नहीं है तुम्हें हमारी आवाम बहुत तुम्हारे से नाराज है, बीजेपी वाले रहे को भी 5 साल भी घंटी दिया कोई, सिद्धरामैया साहब 5 साल भी घंटी दिया को खुर्रे को 5 साल भी ना कोई तुम्हें 2006 में नहीं आको मुसलमाना तुम्हारे से नाराज है ये बार मिस्ट्री करना तुम्हें आना कर को 1 महीना पहले जाको इन्विटेशन दिया मैं हूँ आप तुम उनको बोलो एंट्री कर लेको बेंगलुरु में कोई भी प्रोग्राम्स नहीं बेंगलुरु में रहो वेस्टर्न होटल के अंदर बैठ को हमारे हज की इनॉग्रेशन को नहीं आने वाला एक ही चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के अंदर वो कुमार स्वामी काला जो दूसरे मुसलमान के ऊपर चाहत हो मुसलमान के ऊपर चाहते थे दादा धर्म बीजेपी वाले 5 साल चीफ मिनिस्टर प्रोटोकॉल हो 5 साल प्रोटोकॉल कंपलसरी आना करके बीजेपी के 3 साल लीडर पर भी आया सदानंद गौड़ा भी आया इना आए नहीं क्या बोलना सिंह को अब वो चेक मैं भी जनता दल पार्टी के अंदर था कुमार स्वामी के साथ कैसा था सब दुनिया जानती कुमार स्वामी की मेरी दोस्ती कैसी थी 24 घंटे के अंदर 16 घंटे मेरे साथ रहता था उन्हें भी पहली बार एमएलए बनिया 2004 में मैं 2008 में पहली बार एमएलए बनिया 2001 साल में पहली बार एमएलए बने उन्हें चीफ मिनिस्टर बन गया मुसलमान को मंजिया बनाने के वास्ते चीफ मिनिस्टर 6 महीने बनाया नहीं कुमार स्वामी 6 महीने बनाया नहीं पूरे हमारे जाको दोस्तों ये करे कराटा करे जाको साहब तुम्हें क्या ये गलती करी सो जमीर को तुम्हें मिनिस्ट्री नहीं बना को बैठी ना और जमीर की वजह से तुम्हें ये मुकाम में इन सो ये नमा क्या माँ बैठ जाओ मतरा खुद है 5 मिनट बैठो खत्म करो होगा पूरा 10 मिनट में खत्म ही छो तो माँ 10 मिनट 10 मिनट सुनो सुनो मैं हमारे दोस्तों जाको कराटा करे कराटा करने के बाद क्या करे ठीक है करके मंजे मिनिस्ट्री बने वो सी मिनिस्ट्री बने सो खाली हज और रोफ दे देने ठीक है तो मैं भी क्या कर हज और रोफ में काम कर लेता फिर उसके बाद बकरी दी गई कौन भी चीफ मिनिस्टर रंधे बेंगलुरु सिटी के अंदर क्या करता जो भी ईदगाह बकरी रंधे जो चीफ मिनिस्टर था क्या करता बाकायदा ईद के एक बार बेंगलुरु सिटी में अटेंडेंस नमाज को आपको जाती मैं कुमार स्वामी सब पूजा को इन्विटेशन दिया सब ऐसा ईद का है बकरीद का ईद का है मेहरबानी करके तुम्हें चावल पेट ईद के मैदान को नमाज को आना कर दो अभी ने 100 में लेकर कुमार ना मैं क्या कर बकरीद की जो है 9 बजे को तो 9 बजे हो जाती अंडरस्टैंड ब्रेन नहीं होता मैं 8 बजे से उसके घर को चलेगा कृष्णा में उसके घर को गया घर को गया क्या करिए ऊपर के पूरे डोर लॉक कर वाली फोन आ करे तो फोन आ नहीं उठाना डोर खोला तो डोर खोला नहीं मैं भी क्या कर 8:40 पॉइंट तक देखा इन्हें आने का दिखा नहीं हमारे किशोर चंद्र अगर को थे इंटेलिजेंस में थे उन्होंने क्या करे मंजे जमीन भी क्या कि सीएम आने जैसा दिख रहा नहीं तुमने नमाज को लेट होता करको मंजे क्या करे 0 ट्रैफिक सीएम की करको मंजे भेज ले मैं निकल को गया जैसा जाको चामराजपेट ईद की मैं उतरी नमाज को मंजे हमारे एक दोस्त का फोन आया नाम नहीं बोलना चाहता अना तू गया सो 5 मिनट को चल तू गया सो 2-3 मिनट को उन्हें रेडी होकर बैठा था तू जान देकर को जब रखा सीएम आकर नीचे हल्के मार लेकर बैठे आ गए अब मैं क्या करना अब मेरी कौन की बेइज्जती कर सकना मैं क्या बोला बोला नमाज पढ़िया सीधा प्रेस को बुलाया मैं बोला कुमार स्वामी घर में रहो जानबूझ को नमाज दिया अगर को उसकी मिनिस्ट्री को लात मार को ठुकराने वाला जमीर अहमद का क्या बोला लात मार को ठुकरा ठुकराया हमें पवन के लालच नहीं है अब ज्यादा बोलने का तो बहुत है मेहरबानी से मेरी आवाम से यह आजी जरा गुजारिश कांग्रेस पार्टी जब जब हुकूमत में आकर देखो अभी बीजेपी 3.5 साल से 3.5 साल के अंदर तुम हिजाब का मसला ले लो लाउड स्पीकर का मसला ले लो हलाल कट का मसला ले लो जाते जाते हमारा रिजर्वेशन निकालने की क्या जरूरत थी 4% रिजर्वेशन कब दिए थे सो
93 के अंदर जब वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे, वोट टाइम को 6% देना करको डिसेंट रिकमेंड करको भेजे बैकवर्ड क्लास कमीशन को, कितने परसेंट है 6% देना करको। उतने में क्या होगा, ये रिपोर्ट आने से पहले क्या होगा, गवर्नमेंट चलेगी। नवोद प्रचार में जनता दल हुकूमत गई, देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर बने, बैकवर्ड क्लास कमीशन से जो वीरप्पा मोइली रिकमेंड कर थे ना 6% देना करको, सीएम के पास रिपोर्ट गई 6% देने की बजाय जनता दलों ने क्या करे, वहां भी हमने नाराज करको 4% रिजर्वेशन दिए। कितने साल होगा वो, 30 साल होगा। 30 साल के बाद 4% रिजर्वेशन निकालने की क्या जरूरत थी। कितने की हमारे डॉक्टर बनते थे सालों में, कम से कम 600 से 700 डॉक्टर बनते थे, कितने की जितने इंजीनियर बनते थे, कितने की जितने तहसीलदार बनते थे, कितने की जितने IPS ऑफिसर बनते थे, वो सब नहीं होना करको क्या करे BJP वाले क्या करे, उसे क्या करे, देखो 2% वकली का को दिए, 2% लिंगायत को दिए। हमने नक्को जो को देनी, लिंगायत भी हमारे भाया, वकली का भी हमारे भाया, मैं क्या बोलने का, हमारा जो हक था ना निकाल कर उनको देने की क्या जरूरत थी। अब तो हमारा रिजर्वेशन जो है कर्नाटक के अंदर 56% है, बरबर नहीं, तमिलनाडु के अंदर 70% है, तो वो 70% की 75% को वकली का 12% पूछे उनको 15% क्यों जी, लिंगायत वाले 13% पूछे उनको 16% क्यों, हमारा के निकाल को देने की जरूरत थी। मगर यह निकाले अल्लाह के घर में, दे रहे अंदर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा हक खाना वापस मिलता। क्या हुआ हमारा सब इंस्पेक्टर साहब, सिंगल रजिस्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब को पूछ लो हमारा आखिर सुप्रीम कोर्ट में मिला कि नहीं मिला, बोला हमारा आखिर मिला कि नहीं मिला। आज ये हालत में हमें गुजरी, दीवारा के भी कला रही, अकलमंद को इशारा काफी, आने वाले दिन हम बहुत खराब हैं। BJP वाले क्या करें, एक साजिश करें, अब उनको क्या पावर का एंजॉयमेंट होगा, पावर का मजा मिलगा। देख लीजिए ना दिन दहाड़े क्या भी नहीं, 40% कमिश्नर कॉन्ट्रैक्टर हमें बोल रही सुने हुए, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट उन्हें प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, साहब तुम्हारी कर्नाटक के अंदर तुम्हें क्या कि पक्के सच्चे गति तुम्हें, मैं देश के वास्ते हूँ गति, तुम्हारी कर्नाटक अंदर हुकूमत के अंदर 40% कमीशन चल रहा है, अगर बिल्कुल लेटर डाला आज तक उसका रिप्लाई नहीं। एक कॉन्ट्रैक्टर बिल नहीं दिए, बिल पूछा स्वास्थ्य ईश्वर अपा को 40% उन्हें पापा खुदकुशी कर दिया। अब उन्होंने क्या करें, ये मजा देख ले, अब हर जगह जाके क्या बोलते, बोला हमें सिंगल डबल इंजन, हमें डबल इंजन, एक इंजन ही चल रही नहीं, डबल इंजन में करना क्या करना। आज एक काम की एक जगह BJP को ये लालच हो जाए, उन्होंने क्या करें हर जगह मैच फिक्सिंग करें। अब एग्जाम्पल यहाँ एक रहीम खान के ऊपर ले लगा दो, सूर्यकांत को डाल को जनता दल के वोटर तोड़ को, मुसलमान के वोटर तोड़ना करो उसे ठहरा करें। अब यहाँ इसके अंदर अब मेरा शेखर पाटिल के अंदर जाकर आया इब्राहिम साहब के खुद के पर्सन और वो फैज अच्छा बच्चा उसे उसे लेने को जाको हुमनाबाद में ठहरा करें। हुमनाबाद के अंदर तुम्हें देखेगा मिराजुद्दीन पाटिल साहब एक नवाब के जैसे उन्होंने शान से उन्हों सियासत करने को एक शान से नवाब से थे, उनका इंतकाल होने के बाद उनके भाई नसीम पटेल 3 बार उन्होंने कैंडिडेट हुए थे, 2008 में भी हुए थे, 2013 में भी हुए थे, 2018 में भी हुए थे। 2013 में 40,000 वोट लिए, 2018 के अंदर 30-40,000 वोट लिए, कभी भी राजशेखर पाटिल 30-40,000 वोट से जीत के करा। अब वहाँ क्या करें, इब्राहिम साहब को बेटे गुदार को ऐसा वोट ऑन डिबेट करने की, ये BJP जनता दल ने क्या करें, ये ऑलरेडी मैच फिक्सिंग कर ली हूँ, उन्हें अंडरस्टैंडिंग इंटरनल अंडरस्टैंड करनी, तुमना काम वाला हमें मदद करते हैं, हमने कहाँ कहाँ कांग्रेस है वहाँ तुम्हें क्या करो जनता दल बोले दाल को वोट कट करो, हमने वोट छोड़ को कांग्रेस को नंबर्स कम करना करो जद्दोजहद कोशिश करें। आज मैं भी पूरा स्टेट टूर करूँ, हर जगह स्टेट में मैं भी सिद्धरामैया के साथ प्रजा ध्वनी यात्रा के अंदर लास्ट टाइम बिजर को भी जाकर आया था, मैं बिजर गया था, यादगिरी गया था, गुलबर्गा गया था, रायचूर गया था, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गदग, पूरे स्टेट में गया, हर स्टेट में गए तो क्या बोल रहे एक ही चीज बोल रही, नहीं साहब ये हमने 2018 के अंदर गलती कर दिया, हमें अगर कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी यही तो छूना या गरीब बच सकता सो या अभिवृद्धि कैसा होता सको और हर हो हर कौन अमन सुकून से रहना तो वो कांग्रेस पार्टी यही तो करो, आवाम बात करो, आवाम डिसाइड कर पाए, मेरी आवाम से ये आशीष आना गुजारिश रहीम खान हमें कैंडिडेट अमन सुकून के वास्ते हमें लगा खुद कैंडिडेट हमें थम लेना। और हमारे लोगों में क्या है परसेंटेज नहीं करते, जरा मेहरबानी से बहुत से आदमी में क्या लापरवाही ज़्यादा, भाई हमें वोट डाल को रहीम खान को हमें क्या मिलता, हमें उससे धूप में जाको कहीं वोट डालना करो, तुम्हें घर में बैठे तो वो क्या है 2 वोट BJP को फायदा होता उसका, कितना फायदा होता 2 वोट फायदा होता, सो तुम्हें एक नहीं देने से क्या होता वो 2 वोट डालता 5 साल में 1 वोट डालता,
एक तकलीफ ही नहीं दूंगा। 5 साल में तुम ना एक घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के वास्ते तकलीफ दूंगा। मेहरबानी करो, तुम्हारा हक ये बार जाको 100% वोट करे दो। कोई मई का लाल रहीम खान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रहीम खान को भी रहीम खान को जीतने से कोई नहीं रख सकता। मेहरबानी करको, मेरी आवाम से आज तरह गुजारिश है वो एक दिन तुम्हें तकलीफ उठाओ, खासकर एक नौजवान से, क्योंकि मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को इतनी चाहत नहीं मिली जो तुम्हें लोगों जमीर अहमद खान को जो चाहत दे पड़ी। कहीं के वास्ते एक उम्मीद के अंदर जमीर अहमद खान हमारे कौम के वास्ते कुछ करता तो तुम्हें जो चाहत रख ली, आज अल्लाह की कसम खा कहूँ तुम दोनों लोगों को, जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोगों सिर उठा कर चलना, इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता। चाहने वाले नौजवानों से ये काजी जाना गुजारे बेटा, ये सियासत के अंदर क्या करती हूँ, पैसे क्या करती है, इलेक्शन के टाइम पर निकालती है, तकलीफ में कौन भी अपना साथ देता नहीं। बात हमारा घर हमारे चलाना अल्लाह चलाना सो उन दबा को सियासती लीडर चलाता, रहीम खान साहब तुम्हारा घर चलाते, जमीर अहमद खान तुम्हारा घर चलाता, अल्लाह चलाना तुम्हारा घर चलना, बरबर की नहीं। हमारा मुसलमान होना सो क्या अमन सुकून होना सो, और क्या भी नहीं। वो अमन सुकून कहाँ दिख रहा हमारा कांग्रेस पार्टी में दिख रहा, कहाँ दिख रहा बोलो तुम्हें लोग, कहाँ दिख रहा तुम्हारा अमन सुकून कांग्रेस पार्टी में दिख रहा। आज उनका मैनिफेस्टो देखेगा, आज रहीम खान डिटेल से नहीं बोले, आज एक मैनिफेस्टो निकाली उन्होंने बीजेपी वाले, मैनिफेस्टो निकाली नेट में रहीम खान निकाल हुई क्या करो, कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 बीजेपी प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड NRC इन मैनिफेस्टो। हमें भी क्या भी भंगड़िया पहनने को बैठी नहीं बंदे, उनका कर ले उन्हें आए तो इसका भी है, उन्हें आए तो नहीं है, उन्हें आते नहीं वो होता नहीं। कर्नाटक की आवाम हर कौन थंदले कांग्रेस 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 थंदली आवाम, इन्हों क्या था भी कल आए तो इसका आए तो इसका भी। और नरेंद्र मोदी जी कभी भी बोलती सबका साथ सबका शिकार, भाई सबका साथ सबका विकास, अरे भाई किसका साथ किसका विकास, किसका साथ इसका विकास, किसका साथ किसका विकास। जो हमारा 3,150 करोड़ था ना, वो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, उसे 800 करोड़ करना, उसे बोलती है सबका साथ सबका विकास है, अरे माटी मिलो। अल्लाह के वास्ते आज मैं खुलासे से नहीं बोल सकता, अकलमंद को इशारा काफी, आने वाले दिन खराब है। मेहरबानी करो तुम्हें सब रहीम खान तुम्हें सब जमीन अहमद खान मानना, जब जाओ कांग्रेस का जाओ पैसों, एक नौजवान से एक आजी जरा गुजारे पैसे के पीछे चलो को उन्हें कितने बार देंगे पैसे। इलेक्शन आता एक आदमी को 5,000 रुपया देती या ज्यादा से ज्यादा 10,000 देती, 10,000 दिए तो हमें क्या, 10,000 लेने को कहते चलो भाई 10,000 दिया हमें क्या, तो भंडवा को धंधा करेंगे अगर करती क्या करती, सीधा 10,000 जैसा मिलता सुबह को 2 किलो पाया ले पाया खाती, दोपहर को क्या करती अरे सुबह पाया खाया रहे 1-2-3 किलो गोश्त ले लगा रहे दोस्तों को बुला बिरयानी खा को कलीची बोटी का खत्म करा दी। 5 साल का सोचो, 5 साल का सोचा हमें, 5 साल का उन्हें कितने देंगे क्या खरीदेंगे हमारा, और एक चाल चल लो ये मुसलमान वोट देते नहीं, क्या तो गरीब तक खब होते हैं उनके क्या तो भी करो 2-3 हज़ार रुपये देखो वोटर कार्ड ले लेंगे, वो भी एक साजिश चल रही, वोटर कार्ड लेने की साजिश रही, अगर वोटर कार्ड वो दिए तो 2 वोटर बीजेपी दर सका ऐसा जग दूध आता था मुसलमान अगर हम कहीं बदनाम करती पैसा को कहीं को बीतती ऐसा जगह 2 वोटर का फायदा उनको 2 वोटर का फायदा। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव होता हमें लोग ये हमें क्या करे थे क्या करने वाले, अब 3 गारंटियाँ अनाउंस कर गई, क्या गारंटी अनाउंस कर गई, घर घर में एक औरत औरत जो घर में रहती है उन्हें फैमिली गेट रहती ना उनको 2,000 रुपये देना, कौन रंधे अमीर रंधे गरीब रंधे 2,000 रुपये देना कर डिसाइड करी, कहीं के वजह से 2,000 रुपये देना डिसाइड करी। और गैस का रेट कितना है 400 रुपये, कांग्रेस की हुकूमत में 2013 में 400 का अब्बा को कितना है 1400 है। आज हर घर में गैस होना मामा, पहले लकड़ी के चूल्हे में पकाते थे अब वो सिस्टम नहीं है, हर घर में गैस होना, अब गैस होना तो कम से कम 1400 रुपये देखो लेना, वो सोचते हुए ये घर में गैस लेने तो फायदा होने देखो 2,000 रुपये हर महीना अगले महीने से दे दी तुम्हारा अकाउंट में आता, हर महीना 2,000 रुपये सालाना कितने हुए 24,000 रुपये, उसके साथ में 200 यूनिट करंट फ्री कहता 200 यूनिट करंट फ्री के तो अम्मा तुम्हारी घर की बिल कितना थी बेटे का दुबल बेटा
घर की करंट की भी कहता थी, एक भी दोनों को नजर होती कहता थी माँ 1200 के माँ 1200 700 800 सुनो 700 800 900 रुपया थी। गरीबा क्या करती बोलो, दो लाइट रहा तो एक लाइट ऑफ करती, क्या अब बेडरूम का चले तो हल्का ऑफ करती, हल्का करे तो बेडरूम का चलती, ठीक है तो करंट की बिल ज्यादा थी। अब क्या तो टीवी के अंदर बयाना ये ना देखना तो भी क्या करती 10 दिन सुनती वो सूच को कांग्रेस पार्टी क्या तय करी 1200 मिनट बोले तब 1470 रुपये तुम्हें मैंने करंट मिल बंद ली राजी साहब तुम नीचे चलिए प्लीज एक तुम्हें ये महीना करंट बिल बंद नहीं, अगली महीने से अल्लाह की जात को मुझे भरोसा है या कांग्रेस हुकूमत में आ रही अगली महीना करंट बिल कांग्रेस हुकूमत बनती 1470 रुपए कितना एक घर घर को 1470 करंट फ्री तुम्हारा। उसके साथ में क्या करें अन्ना भाई क्या करो सिद्रा में जब थे 7 किलो चावल देते थे ये बीजेपी वाले गरीबों के ऊपर कितनी चाहते थे भी क्या मोहब्बत थे देखो जी 7 किलो को कमी ने 4 किलो कर दी। अब हमें अनाउंस कर रही हमारी हुकूमत देखो वो 7 किलो को 4 किलो कंसो हमें 10 किलो देती घर को तय कर रही 10 किलो किसे है एक घर में एक आदमी रहा तो 10 किलो दो आदमी रहा तो 20 किलो तीन आदमी रहा तो 30 किलो चार आदमी रहा तो 40 किलो पांच आदमी रहा तो 50 किलो होना कि नहीं होना होना कि नहीं होना तो कांग्रेस वोटा डालना कि नहीं डालना रहीम खान को जिताना कि नहीं जिताना जीतो फिर जीतो अल्लाह की जात को मुझे भरोसा है ये बार कांग्रेस हुकूमत आती कांग्रेस हुकूमत नहीं तो हमारी पार्टी हाईकमांड काटी हाईकमांड पार्टी के अंदर ये दो भैया मिनिस्ट्री बनने से कोई आखिरी में सीरियल नंबर क्या सीरियल नंबर चार ठीक है तो बोला मैं बड़ा भी ना मेरा सीरियल नंबर 3 छोटे अच्छा सुना आज भैया आप पूरा आज सुबह ये छठवीं कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हो यदि सुबह से हेलीकॉप्टर ले लगो स्पेशल फ्लाइट ले लगो अब गुलबर्गा नार्थ बिदर नार्थ बिदर साउथ कर ले तो उन्नाबाद सब कर ले जा रहा हूँ मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का अब तक जाकर नहीं हूँ मैं ये जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे मंजे क्या है मैं टूर कहीं कर रूँ सो मैं ये जीतना मुझे मैं नहीं रखता ये कांग्रेस हुकूमत में तो हमारे कौम को फायदा पहुँचा को दिन रात देख कर ये समझते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए हर भी क्या होगा मेरा पर हर आदमी का नजर क्या रहे इतना चलता है क्या कर को निकल जाता ना कर को हर आदमी का नजर से पत्थर भी पिघल जाता आखिरी में दुआ की दरख्वास्त करते हुए जब जब तुम्हें नमाज पढ़ती मेरे हाथ में ये नहीं दुआ मांगना जमीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को सैयद तंदरुस्ती होकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को MLA बनकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान को मिनिस्टर बनकर को दुआ नहीं मांगना जमीर अहमद खान हमारा बच्चा जब तक जिंदा रहता उसे और कौन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाते दुआ की दरख्वास्त करते हैं मेरे भाई को कामयाब करती है उम्मीद करते हुए मेरी बात करूँगा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ जय हिंद जय कर्नाटका जय कांग्रेस।